और भैया फिलहाल आप देख सकते हैं हम लोग हिंदी भवन के ठीक गेट पे हैं, जो कि आप दृश्य देख सकते हैं जैसा थीम बाहर से देख रहा है थीम सेम टू सेम अंदर भी है। और फिलहाल मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और आपको यहाँ का पूरा कवर दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये एंट्री यहाँ का है, एंट्री यहाँ से करना है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे भाई बताइए? इसकी लागत 8 लाख रुपया करो भाई, जो खर्चा ये 8 लाख रुपये है। लोग वेट करते हैं इस पंडाल के लिए। इसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है, पर्यावरण की रक्षा करिए, जैसा कि हिंदू वेदों में पुराणों में है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण बचाइए, हमारे देवी देवताओं ने भी इसमें यही कहा, इसलिए आप आइए घूमिए और उसको पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लीजिए। तो फिलहाल आपको एंट्री करने के यहाँ से मिलेगा, और विशेष जो थोड़े से उम्र में लोग हैं उनके लिए ये रास्ता बनाया गया है। फिलहाल आप यहाँ से देखते हैं, ये देखिए यहाँ का थीम है, इस तरह रास्ता है और यहाँ पे हिरण वगैरह सब पूरा जंगल का थीम दिया गया है। बाकी बजरंग बली आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। आइए मित्रों, फिलहाल जय माता दी। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ का थीम दिया गया है यहाँ पे, और अभी वहाँ से हमको चढ़ के जाना है अंदर। चलिए आइए विशाल जी, जल्दी आ गया ये। अच्छा अभी तो सब बोलिए भाई, रेट चलता है, आपको भी वेट करती है, वॉच करनी है, वेट कर रही है। मैं नया नया माइक लिया हूँ। ओहो, क्योंकि 15,000 रेट है। फ्लेक्स कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी थीम आप देख सकते हैं यहाँ पे। पिंडू भैया बाकी आप यहाँ दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पे काफी खूबसूरत है। और देखिए अभी हमको यहाँ से ऐसे जाना है जैसे पहाड़ वगैरह सब आप लोग घूमते हुए हैं, वैसा ठीक सीन दिया है। गौरव भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? मूर्ति की सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा थी लोगों को, वो मूर्ति आपके सामने है, देख सकते हैं बजरंग बली की, बहुत आवश्यक। फिलहाल आइए पहाड़ का नज़ारा ले लीजिए गौरव भाई। हाँ एकदम एकदम, यहाँ पर देखिए झरने का व्यवस्था क्या क्या है। चलिए मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। फिलहाल अंदर का कोई दृश्य दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ। गुरु भाई पहन लीजिए, पहन लीजिए। महाकाली महालक्ष्मी मा सरस्वती देवे नमः, श्री गुरु नमः, नारायण सरस्वती देवे नमः, श्री सीतारामाय नमः, शंकर भोजन श्री फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हिंदी भवन में। हिंदी भवन में अविनेश भाई को बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है अविनेश भाई? बहुत बढ़िया है, बहुत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अविनेश, बताइए, देखिए पहाड़ है यहाँ पे, बाकी अंदर का आपको दृश्य ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कुछ ऐसा थीम है, हालांकि पूजा हो रहा है और आज से माँ दुर्गा जी का मतलब वो हटा दिया गया है सामने से, नेत्र खोल दिया गया है। और हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे काफी दिनों से, और फाइनली। बाकी अविनेश भाई ये जो आप देख रहे हैं ना बजरंग बली, ये दिल्ली से लाए गए हैं, जिन पे कमेटी ने 2 लाख रुपए खर्च किया। अक्सर ये इंस्टाग्राम पे वायरल होते रहते हैं। हाँ, बराबर बराबर। भैया फिलहाल क्या बोलना चाहेंगे अपनी जनता से? मौके अब पट खुल गए हैं और आए हैं और दर्शन करें। कल कब से दर्शन होगा? समय सुबह से ही है, लेकिन आप 7 बजे आइए, 7 बजे से आपको अच्छे दर्शन। रात भर होगा, 2 बजे 3 बजे 4 बजे आप लोग दृश्य देख सकते हैं, जो की बजरंग बली आप सामने देख रहे हैं। फिलहाल ये दिल्ली से लाए गए हैं, जो कि इन पे खर्चा 2 लाख का किया गया है, साथ में ये मूर्तियां भी आई हैं फिलहाल। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे झील, क्या आपको ऐसे यहाँ से आना है, ऐसे 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 फिर ऐसे जाना। आइए मैं आपको बाहर से एक बार इसका टूर कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आइए अविनेश, हम लोग इस समय हिंदी भवन में हैं, हिंदी भवन की चर्चा चारों तरफ हो रही है इस समय, क्योंकि और ये बहुत मऊ के लिए भी बढ़िया है, हमारे लिए बढ़िया है। बाकी आइए हम लोग एक बार पूरा गेट से
मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। और हमारे साथ मेरा दोस्त अभिनेश भी है और हम लोग 3 दिन तक घूमते घामते रहेंगे। और ये मऊ का सबसे बड़ा पर्व है जो कि बहुत लोग मतलब बहुत खुशियों से मनाते हैं। टेंशन फ्री, हर व्यापारी व्यापारी सब मौज मस्ती, दुकान उकान छोड़ छाड़ के इस सब में लग जाते हैं। बाकी मैं आपको आइए बाहर से एक बार दिखाता हूँ इसका कैसे कैसे दर्शन।